महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण को लेकर जो गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है उसके बारे में आज राज्यसभा सांसद पद्मश्री डॉक्टर विकास महात्मे ने राज्यसभा की शून्य प्रहर में मुद्दा उठाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ओबीसी के लिए नगर निकायों और निगमों में प्रतिनिधित्व होना महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। महाराष्ट्र राज्य में आने वाले सभी स्थानीय नगर निगम जिला पंचायत में ओबीसी का प्रतिनिधित्व खतरे में है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की राज्य सरकार को ओबीसी के लिए आरक्षण के मुद्दों को निर्धारित करने के लिए 3 शर्तों परीक्षणों का पालन करने का निर्देश दिया था, जिनमें राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग बनाना और उसके द्वारा एम्पिरिकल जांच कराना, आयोग की सिफारिशों एवं रिपोर्ट के अनुसार किया गया आरक्षण के अनुपात को निर्दिष्ट करना और ऐसे आरक्षण का योग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कुल सीटों के 50% से अधिक नहीं होना शामिल है। लेकिन सरकार अपने ढीले रवैये के कारण अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रही और कोर्ट के इस निर्णय को लागू नहीं किया गया, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। वहीं उन्होंने इस मुद्दे पर जल्द से जल्द निर्णय लेने की भी मांग की। ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, काफी अन्यायकारक भी है कि महाराष्ट्र में अभी फिलहाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटीज का, वैसे ही स्थानीय नगर निगम का, जिला परिषद का, जिला पंचायत का इलेक्शन है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये सभी इसमें जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है उनका प्रतिनिधित्व खत्म किया गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। इसकी वजह ऐसे है कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कहा था कि 3 मुद्दों पर वो काम करे। पहला ये था कि पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी कमीशन बनाए और वह ओबीसी कमीशन फॉर्म करे, पहला। दूसरा, इस कमीशन के जरिए एम्पेरिकल डाटा वो कलेक्ट करे। एम्पेरिकल डाटा यानी अनुभवजन्य डाटा है, जैसे हमारा एग्जिट पोल होता है उसमें भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं और वो टीवी पर अपने को दिखाया जाता है, वैसे ही ये डाटा मराठा आरक्षण के वक्त भी महाराष्ट्र सरकार ने कलेक्ट किया था, वैसे ही ये एम्पेरिकल डाटा कलेक्ट करने का काम था जो पॉसिबल था। लेकिन ये दोनों चीज़ों में कुछ भी काम उसके बाद हुआ नहीं। इसमें जो ओबीसी कमीशन स्थापन करने का निर्देश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, वह ओबीसी कमीशन 1.5 साल तक के स्थापित नहीं हुआ और उसके जरिए जो एम्पिरिकल डाटा कलेक्ट करना था वो भी काम नहीं हुआ। ये स्थापन अभी पिछले 5 महीने पहले हुआ ओबीसी कमीशन, लेकिन उनको जगह भी दी नहीं गई और उसी प्रकार उनको फंड भी आवंटित नहीं किया गया। तो इसकी वजह से दो जो उसमें सदस्य थे उन्होंने भी उसको बहिष्कृत किया या उसका रेजिग्नेशन दिया उन्होंने, ताकि उनके ख्याल में आया कि इसके लिए सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं हो रही है, ओबीसी का आरक्षण बचा रहे इसलिए। तो इसकी वजह से पहली बार जो 50% से भी ज़्यादा ओबीसी महाराष्ट्र में है उनके ऊपर एक अन्याय हो रहा है और राजकीय प्रतिनिधित्व हमेशा के लिए खत्म हो रहा है। इसके लिए कोई भी एक डिपार्टमेंट भी जवाबदेही नहीं है। ये जवाबदेही बनाना सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो पूरी नहीं की गई। अभी पुणे, नागपुर, मुंबई कॉरपोरेशन, ये सभी, औरंगाबाद, ये सभी बड़े महानगरों का कॉरपोरेशंस के इलेक्शंस हैं और 50% से भी ज़्यादा इलेक्शंस के ये जो सीट्स हैं, तो इसमें पूरी तरह से हमेशा के लिए 5 साल के लिए करीबन ओबीसी आरक्षण नहीं रहेगा। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि वो ओबीसी सेंट्रल ओबीसी कमीशन है वो सुमोटो अपने आप इसे ले और इसके ऊपर कार्यवाही करे और सरकार भी उचित निर्देश महाराष्ट्र सरकार को दे। धन्यवाद। धन्यवाद।